आदरणीय स्वामी जी, जनरल मेहता, जनरल जीडी बख्शी साहब, मंच पे उपस्थित विद्वान, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, देखिए हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। मैं और एक आपने नाम सुना होगा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, हम दौरा करते हैं। कोई 40 सभाएं मैंने उनके साथ की हैं और वो अकेले हमसे कुछ ज़्यादा, वो आज भी वो हैदराबाद में, कल वो उनकी सभा थी। हम लोगों से बात करते हैं और जो परिपेक्ष होता है जिस जगह का और जो समय का परिपेक्ष होता है, उस परिपेक्ष में हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम कोई प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट बना के नहीं आते। जो वक्ता हमसे पहले बोलते हैं, हम चाहते हैं कि उससे कंटिन्यूटी भी रखें। तो देखो बच्चों और देवियों और सज्जनों, बात स्वामी जी ने एक आपसे कही, लगन और समय, समय से 2 मिनट पहले क्लास में आना। तो किसी अंग्रेज को हमको सुनने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आप महाभारत से, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य ने पहले दिन अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया, जिसमें कौरव भी थे और पांडव भी थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन सबको लाइन में खड़ा करके उनसे पूछा, उनसे कहा कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बनाऊंगा, तुम लोगों को जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबसे उन्होंने पूछा, सब घबरा गए, अपनी नजरें नीचे कर ली, उनको ये वहम हुआ, शक हुआ कि पता नहीं ये गुरु क्या मांग लेंगे। अर्जुन ने कहा कि जी गुरु जी, आप जो मांगेंगे मैं वो देने को तैयार हूं। उसी दिन गुरु द्रोणाचार्य ये बात समझ गए थे कि ये मेरा सबसे होनहार शिष्य निकलेगा। और उसके बाद की बात है, ये जो 2 मिनट पहले आने वाली बात है, मैं उससे इसको जोड़ के आपको बता रहा हूं। हुआ क्या कि उस जमाने में गुरुकुल में गुरु की सेवा होती थी, शिष्य जो हैं वो गुरु के घर का भी काम करते थे। तो सुबह सुबह ये सारे कौरव और पांडव को सूर्य उगने से पहले उनको नदी से जल लाना होता था। तो उस उनके शिष्यों में उनका अपना पुत्र अश्वत्थामा भी था। तो गुरु ने उनको, उन्होंने एक 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 तरीका उन्होंने अपनाया था कि जो पहला क्लास में जो लड़का आ जाता था, वो बस शिष्य आता था, वो अपनी शिक्षा प्रारंभ कर देते थे, क्योंकि जिसको लगन होगा वही पहले आएगा। तो अश्वत्थामा हमेशा पहले आ जाता था, जबकि अश्वत्थामा को उन्होंने बाकी शिष्यों से बड़ा घड़ा दिया था कि ताकि ये बाकी शिष्यों से पहले ना पहुंचे, नहीं तो लोग फेवरेटिज्म का उन पे इल्जाम लगाएंगे। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा पहुंच जाता था। अब अश्वत्थामा, ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन के बाद अर्जुन आगे आने लगा। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि अर्जुन, ये क्या हो रहा है, तुम कुछ दिनों से देख रहा हूं बहुत पहले आ जाते हो, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम नदी से जल भी नहीं लाते हो। तो अर्जुन ने कहा कि गुरु जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, तो कैसे, ये पानी कहां से लाते हो? तो कहा, गुरु जी आपने ही तो मुझे वरुण अस्त्र की शिक्षा दी है, और वरुण अस्त्र इस्तेमाल करके मैं पानी निकालता हूं और आपके पास ले आता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को
गले से लगा लिया और वो उन्होंने कहा कि शस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं होता है, शस्त्र मानव कल्याण के लिए भी होता है। आप समझ रहे हो बात? दूसरी बात, एक बार ऐसा भी हुआ कि वह स्नान कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य और उनकी टांग एक मगरमच्छ के मुंह में आ गई। अर्जुन लाइक अ लाइटनिंग उन्होंने अपना तीर निकाला और उसके मुंह को छेद दिया। उस दिन जब वो निकले नदी से, उन्होंने अर्जुन को बुलाया और वो उनको पकड़ के रोने लगे और फिर उन्होंने उनको दिव्य अस्त्र उस दिन दिए और कहा कि दिव्य अस्त्र जो है वो उसी आदमी को दिया जा सकता है जिसमें विवेक हो, जो बुद्धिमान हो और जो जिसमें विवेक हो, जिसमें चरित्र हो। तो ये देखिए, आज जो ये इमरान खान जो हर बात में ये न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है, आप मेरी बात मान लो आज कि जिस पुरुष में, जिस मुल्क में, जिस देश में चरित्र नहीं है, वो उसके वो परमाणु बम भी उसके कोई काम का नहीं होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात, स्वामी जी ने यह भी कहा, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये हम क्यों पीछे रह गए, इसका भी थोड़ा कारण आप जान लीजिए। छठी से 11वीं शताब्दी तक यूरोप में कहते हैं कि डार्क एज था, और 11वीं से 15वीं शताब्दी तक शैडो ऑफ डार्क एज था, डार्क एज की साया। अब दृश्य क्या होता था यूरोप में, मैं आपको बताता हूं। दृश्य यह होता था यूरोप में, लोग नहाते नहीं थे, दोनों तरफ सड़क के नाले जैसे, वहां जिंदा ये मृत शरीर को उसी में डाल दिया जाता, गाड़ने की भी परंपरा नहीं थी वहां पे। कंघी नहीं थे क्योंकि लकड़ी नहीं थी, कंघी दो ही चीज से बनती, या तो हाथी के दांत से बनती थी या वो लकड़ी से बनती थी, कंघी नहीं होता था, महामारी फैली हुई थी। ये दृश्य यूरोप का था, ये छठी से 11वीं शताब्दी। 11वीं से 15वीं शताब्दी में कुछ सुधार हुआ, लेकिन देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, जरा सोचिए कि ऐसा क्या होगा कि 16वीं सदी 15वीं शताब्दी के बाद सरस्वती की वर्षा होने लगी? किसी ने ये पूछा है इस चीज को? वो वर्षा इसलिए होने लगी क्योंकि जो यहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने सारा का सारा जो आपका ज्ञान था, आपका बॉटनी का, जुआलॉजी का, सर्जरी का, सब ज्ञान यहां से वह ले गए, उसको ग्रीक नाम दे दिया और उसके बाद वो आपको उन्होंने आपको उसके बाद उसी ज्ञान से आपको नीचा दिखा वो दिखाने लगे और आप अपने आप को निम्न स्तर का समझने लगे। मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम में भी एक गोल्डन पीरियड आया था, और वो गोल्डन पीरियड था करीब 8 से 10 शताब्दी में। तो एक पर्शियन जो कैलिफ था वो पर्शिया का था, तो उसने उसको एहसास हुआ कि अगर हम कुरान, वो कहते हैं ना कि सारा ज्ञान कुरान में है, कि हम कुरान से अगर चलेंगे तब तो हम मारे जाएंगे। तो उसने लोगों को भेजा, अपने दूत को, बाइजेंटाइन एम्पायर था वेस्ट में, उसके राजा के पास भेजा, बोला कि सुनो यार, वो ग्रीक के जो भी किताब तुम्हारे पास बचे हुए हैं हमारे पास भेज दो। हिंदुस्तान से सारी किताबें गईं
और उसमें एक पंडित कनक थे जिन्हों जो यहां से एक किताब ले गए सूर्य सिद्धांत, और सूर्य सिद्धांत इज द बेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो बुनियाद है। नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसके बाद में वो 10वीं शताब्दी के बाद एक असरी नाम का आदमी आया, उसने फिर कहा कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है। उसने फिर वो बगदाद की लाइब्रेरी को भी आग लगा दी, जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी। अभी लोग ज्ञान की बात करते, आप सोचो कि उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट और 1,000 टीचर, ये वहां का अनुपात था, टीचर टू टॉट रेशियो। उस समय भी वहां की जो लाइब्रेरी थी वो कोई 7 या 8 मंजिल की वो लाइब्रेरी थी, तो आप सोचो कि ये कितना ज्ञान होगा उसमें। और नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा अपना एक इकोसिस्टम था, ये पूरे आपके जो राजा थे सुमात्रा को वो बहुत भारी मदद करते थे, सस्टेन करते थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी को। उसमें कोरिया से, जापान से लोग आते थे, उसके लिए प्री कोर्स करते थे, और नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, साहब देखिए आप सामने से हट जाइए प्लीज डोंट आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि उसका पूरा एक इकोसिस्टम था। एंट्रेंस टेस्ट होता था, और एंट्रेंस टेस्ट में केवल 20% लोग क्वालिफाई करते थे। उसके लिए वहां पे जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट चले, उस समय भी नालंदा के गांवों में चारों तरफ उनके टीचर्स ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल रखे थे, और जो छात्र जो स्पिल ओवर होता था, जिनको शिक्षा नहीं वहां ये प्राप्त होती थी, वो एडमिशन नहीं, तो उसके लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का वो स्थापित किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस देश में कोई कमी नहीं है, और मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूं कि सारा ज्ञान अभी है। और मैं हमेशा तथ्य के साथ बात करता हूं। 1792 की बात है, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ये सुन लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ड्राइवर था, बैलगाड़ी चलाता था, बैलगाड़ी का ड्राइवर था, उसका नाम था कावस जी को प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया, और उस समय नाक काट दिए जाते थे, उसका किसी ने नाक काट दिया। एक साल तक वो व्यक्ति बिना नाक के घूम रहा था। तब किसी ने उसको कहा कि एक पूना में एक कुम्हार है, अ पॉटर, वो कुम्हार जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करता है, वो नाक की। उसने क्या किया, वो उसके पास गया, उसने एक मोम की नाक बनाई, उसको शेप देने के बाद उसको वो फ्लैट करके उसके यहां पे उसको डाल के, और एक उसको ट्रेस कर लिया उसके आउटलाइन को, यहां से उसने स्किन निकाला और ये उसको ग्राफ्ट कर दिया यहां पे। अब आप कहेंगे कि ये कहीं सुनी बात है। 1792 में जो पहली मैगजीन लंदन से निकली, जेंटलमैन, उसमें ये पूरी कहानी दी हुई है, और उसका टाइटल है इंडियन रिनोप्लास्टी। और ये 1792 की बात मैं कह रहा हूं। उसी दौरान क्या हुआ था कि एक अंग्रेज थे, उस समय अंग्रेजों को रशिया से बड़ा थ्रेट था, उनको लगता था कि ये उधर से ये पठान के साथ ये मिलके अगर ये हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो हमने जो भी हासिल किया है वो भी गंवा बैठेंगे।
तो इन्होंने रशिया चाइना बॉर्डर पर एक इन्होंने एक स्पाई भेजा, वहां पे वो खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए वो गया था, वो वहां के सड़कों पे टहल रहा था, तो उसको एक किताब दिखी और वो किताब जो थी वो कोई उस स्क्रिप्ट में थी, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी, उससे पढ़ा नहीं गया, लेकिन उसको इस बात का एहसास हुआ कि इस किताब में जरूर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसने वो किताब ली और वो एशियाटिक सोसाइटी जो है कलकत्ता में, वहां पर उसने भेजा। उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया, वो भी प्लास्टिक सर्जरी पर ही किताब थी, सुश्रुत के द्वारा लिखी हुई, कितने साल पहले, 3000-4000 साल पहले। और फर्क क्या था ये कावस जी वाले समय में और उस समय में, कि सुश्रुत ने केवल ये कहा था कि जो स्किन जो है यहां से लेना है। इसका मतलब 5000 साल 4000 साल से यह हमारी परंपरा रही है। और बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज एक लंबी शिक्षा होती है चिकित्सा की, 8-9 वर्ष लग जाता है, उस समय भी नालंदा यूनिवर्सिटी में जो अवधि थी चिकित्सा की शिक्षा की, उसकी अवधि थी 7 साल। तो ये सारी जो आप जो ज्ञान देख रहे हो, ये सारा ज्ञान ये यहीं से गया है। क्योंकि अगर अमेरिका को यूनिवर्सिटीज ने बना है, तो हमारे यहां भी आप समझो कि किस दर्जे के हमारे यहां लर्निंग सेंटर्स थे। तो देखिए, ये मैंने जो स्वामी जी ने कहा, मैंने उस पर कुछ अपना रिफ्लेक्शन दिया। दूसरी बात, अब इसी से जुड़ी हुई बात, कल स्वामी जी थे, कुछ और सज्जन बैठे हुए थे, तो बात हो रही थी धर्म और मजहब की, क्योंकि ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि इस पे भी मैं आपसे बात करूं। धर्म क्या होता है? धर्म प्रकृति से प्रेरित है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति एक प्रकृति विज्ञान से प्रेरित होता है, विज्ञान पे आधारित। आज बड़ी बात होती है कि इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये वो। आप अपने पूर्वजों का आप दिनचर्या देखो और उनको रहने सहने का ढंग देखो, वो कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली था। और जहां तक इकोलॉजिकल बैलेंस की बात होती है, तो मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जब भगवान श्री राम जब वो लंका पार करना चाहते थे और उन्होंने समुद्र से देवता से विनती की कि आप मुझे यहां से रास्ता दीजिए, और जब वो नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में उन्होंने अपने गांडी उठा ली और समुद्र देवता जो है वो बाहर आए। और क्या कहा उन्होंने कहा कि आप तो ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, आप तो पूरे इस सृष्टि के मालिक हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप ये समुद्र को भी सुखा सकते हो, लेकिन ये मर्यादाएं आपकी ही बनाई हुई हैं। समुद्र की अपनी मर्यादा है, एक योद्धा है उसकी अपनी मर्यादा है, एक पुत्र है उसकी मर्यादा है, हर चीज की जो वायु है उसकी अपनी मर्यादा है, ये सूर्य जो है उसकी मर्यादा है, ये सूर्य अभी आपने देखा कि अभी यहां पे सोलर इक्लिप्स हुआ था,
तो आप मैं कहता हूं कि दुनिया के जितने सो कॉल्ड धर्म के पंडित हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहब के, उनको आप एक साथ बिठा दीजिए और आप उनसे पूछिए कि अगले 100 साल में सूर्य ग्रहण कब होगा, सोलर एक्लिप्स क्यों होगा। अगर वो पंडित अच्छा है, आपको अगले 100 साल का वो बता देगा कि इसमें किस तारीख को किस समय सूर्य ग्रहण होगा। आपको कोई नासा और ये बड़ी बड़ी जगहों जाने की जरूरत नहीं, वो पंडित आपको सारा कुछ पूरा डिटेल में उसने आपको ये जाहिर कर देगा। तो बच्चों देखिए, ये सूर्य ग्रहण हुआ तो कई जगह बहुत सारे एडवाइजरीज इशू हो रहे थे। उसमें एक ये भी एडवाइजरी था जो कि हमारी परंपरा में है कि सूर्य ग्रहण के समय सिले हुए वस्त्र लोग ना पहने। अब लोग कहते हैं कि सिले हुए वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए। इसका भी एक कारण है और इसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है और जब सूरज की रोशनी उतने देर के लिए जब ब्लॉक्ड हो जाती है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उस समय पैदा होते हैं और उस समय वो बहुत हानिकारक हो जाते हैं। तो ये जो हमारे जो सिले हुए जो कपड़े जो हैं, ये जो जहाँ पे जोड़ होती है सिले हुए कपड़ों की, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का सबसे ज्यादा वास होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई सूर्य ग्रहण के समय सिले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और आप देखोगे कि हम भी जब कोई पूजा या कोई ऐसी ये है, कोई अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि सिले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब मार्को पोलो इंडिया में आया था तो वो पूरे पहले उसने राजा से मिलना था तो वो एक कोट सिलवाना चाहता था। उसको पूरे पेनिनसुलर इंडिया में एक भी दर्जी नहीं मिला, एक भी उसको दर्जी नहीं मिला। तो ये देखो, ये साइंटिफिक है या नहीं है। हम जब मैं देहरादून में स्कूल में पढ़ता था, अब इधर देखिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू लुकिंग दैट साइड, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, कृपया शांत हो जाएं। और जिनको नहीं पसंद है वो उठ के जा सकते हैं यहां से, शांत हो जाएं। तो मैं कह रहा था कि मैं जब देहरादून स्कूल में पढ़ता था तो उस समय मैं देखता था कि जब हमारी ट्रेन मुगल सराय के पुल से क्रॉस करती थी तो लोग सिक्का फेंकते थे गंगा में। तो मैं सोचता था कि शायद इससे बहुत दंड पुण्य होता हो, कुछ। लेकिन उसका एक वैज्ञानिक कारण था। और एक वैज्ञानिक कारण ये था कि पुराने जमाने में सिक्के जो होते थे वो तांबे कॉपर के होते थे, और कॉपर पानी को प्यूरिफाई करता है। और आप देखिए, हम फिर वहीं लौट के जा रहे हैं। अभी मैं हर घर में मैं देखता हूँ कि कॉपर का घड़ा नहीं तो कम से कम कॉपर का जग तो अब लोग रखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारे मंदिरों में हमेशा से वो जिसमें चनामृत होता है वो हमेशा कॉपर में ही रहता है। मैं कल द्वारिका के स्कूल में गया था इसी तरह बच्चों से बात करने, तो उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने रात में मुझे
भोजन के लिए बुलाया था, तो मैंने उनके घर में इतना बड़ा पतीला देखा कॉपर का, तो उन्होंने कहा कि इस पे मैं 12 घंटे पानी को रखता हूँ, वो चार्ज हो जाता है पानी। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया प्रिंसिपल साहब ने, उन्होंने कहा कि वो चार्ज हो जाता है। तो हर चीज़ आपकी जो जीवन प्रणाली है, जो आपको पूर्वजों से मिली है, उस हर चीज़ में कहीं ना कहीं विज्ञान है। आप मेरे से अभी पूछ लो या शाम को जब आपके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा उस समय हम आप जब पूछेंगे तो हम हर चीज़ का आपको हम जवाब दे देंगे। मैं जब फौज में था तो एक हमारे ही प्रांत के एक ऑफिसर थे, उनकी पत्नी थी, वो कम्युनिस्ट की बेटी थी, तो उन्होंने ऐसे ही बहस करने लगी वो हमसे कि ये क्या है, ये सिंदूर, ये साइन ऑफ बैकवर्डनेस, ये वो, मैं तो कभी नहीं ये करती, वाई शुड ओनली वीमेन पुट इट। मैं बोला बिल्कुल सही है, यहाँ तो आज़ादी है, आप कुछ भी पहनो, कुछ भी ये करो, यहाँ कोई किसी को कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम उनका इंसल्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई विज्ञान हो। तो बच्चों, विज्ञान क्या है कि जो सिंदूर होता है उसमें मरकरी होता है, और यहां पे हमारे कौन सा ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है यहां पे? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब ये मरकरी जब रिएक्ट करता है ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, जब शादी के बाद कोई भी लड़की के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए ये हम लोग सिंदूर लगाते हैं। इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है। सावन में कहते हैं कि शिवलिंग पे दूध चढ़ा देनी चाहिए, गांव में लोग जितना वो दूध आता है वो सब शिवलिंग पे डाल देते हैं। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि सावन में बरसात के मौसम में बहुत तरह के हानिकारक कीटाणु होते हैं, वो गाय वो खाती है, वो जो उसका दूध होता है वो भी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, इसलिए कहा गया है। अब मैं आपको बताऊं कि धर्म कभी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता है, मजहब का विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। कुरान या बाइबल यह कह सकती है कि दुनिया चपटी है, बाइबल कहता है कि द अर्थ इज फ्लैट, और मैं ये कोई इसको ये अनथा इसको ना ले, जो चीज लिखी हुई है अगर वो भी ना बोलूं तो बड़े शर्म की बात है, और अगर नहीं लिखी हुई है तो कोई मुझे बता दे, आजकल तो गूगल का जमाना है, कोई गूगल करके देख ले। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, बहुत सालों तक समुद्री यात्रा चर्च नहीं अलाउ करता था, क्योंकि वो कहते थे कि ज्यादा आगे जाओगे तो गिर जाओगे, और इसलिए भी ये कारण था ये डार्क एज का कि जितना व्यापार होता था ये लैंड रूट से होता था, जब चर्च का इन्फ्लुएंस कम हुआ तब जाके इन्होंने ये केप ऑफ गुड होप वगैरह से ये हिंदुस्तान की तरफ आना शुरू किए ये लोग। तो मजहब कह सकता है, गैलीलियो को इन्होंने मार दिया सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था कि इट इज नॉट द सन बट इट इज द अर्थ विच रिवॉल्व्स राउंड द सन। कुरान पाक में यह लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, चटाई की तरह है, पहाड़ जो है उसको अपनी जगह पे रखने के लिए। तो मजहब ऐसी बात बोल सकती है, धर्म ऐसी बात कभी नहीं कह सकती। और मैं यहां पे
मैं किसी, हमारा तो कोई, पहली बात कि धर्म का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं, कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन, बिकॉज इट इज सेट ऑफ इटर्नल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मजहब तो पैदा होते हैं, और हर चीज जो पैदा होती है वो मरती है। लेकिन ये ब्रह्मांड, ये नेचर, इसका ये कभी मरने वाला नहीं है। ये किसी वैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है। तो हम ये नहीं कहते, किसी इज्म की बात नहीं करते, किसी उसकी बात, मैं प्योर साइंस की बात करता हूं। और अगर जो मैं कह रहा हूं, अगर आप उस पे इस नजरिए से हर चीज को देखोगे, तो हिंदुस्तान का हर आदमी एक पोटेंशियल वैज्ञानिक है। जेसी बोस ने जब इंग्लैंड में जब उन्होंने एक कैबेज लिया और उसमें जब उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो वो जब जिस तरह से वो श्रिवल करने लगा, तो वहां जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो थे वो रोने लगे थे। आप देखिए, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं। आप सबको मालूम है कि पीपल की क्या महत्वता है। और हमारे यहाँ, मेरा कुछ सरोकार गांव से भी है, मैं खेती भी करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हर कुएं की शादी पहले पीपल की पेड़ से होती थी। उसका भी साइंटिफिक ये है। दूसरा, धर्म और मजहब का फर्क देखिए। धर्म का एक आर्किटेक्चर है, वो सदियों से चला आ रहा है, और हमारे कॉन्सेप्ट में टाइम जो है वो लीनियर नहीं है। उसको आप कॉमन एरा बोल दें, आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि व्हाट इज सो कॉमन अबाउट कॉमन एरा। पहले ADBC बोलते थे, अब उन्होंने उसको सी कर दिया, कहते कॉमन एरा। ये कॉमन एरा से मेरा आज तक मतलब ही नहीं मुझे समझ में आया। तो देखो, ये हर धर्म का एक अपना आर्किटेक्चर होता है। अब वो आर्किटेक्चर क्या है? वो आर्किटेक्चर भाषा, सबसे पहले लैंग्वेज, दूसरा कस्टम्स, तीसरा आर्किटेक्चर इन इटसेल्फ, चौथा म्यूजिक, छठा म्यूजिकल ग्रामर, सातवां चिकित्सा पद्धति। ये सारा आपके धर्म का आर्किटेक्चर है। धर्म से मेरा हिंदू धर्म का वास्ता नहीं है, ये धर्म का आर्किटेक्चर है। मजहब का कोई आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता। कोई पैगंबर कोई आके कह दे कि मैं नया धर्म शुरू कर, तुमने भाषा लाई है, तुमने कोई म्यूजिक लाया है, तुमने कोई लिटरेचर लाया है, तुमने कोई म्यूजिकल ग्रामर लाया है, तुमने कोई आर्किटेक्चर लाया है। ये कहते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर हो सकता है, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर हो सकता है, इंडियन आर्किटेक्चर हो सकता है, आर्किटेक्चर का सिंथेसिस हो सकता है, लेकिन इस्लाम तो वहां से पैदा हुआ, अरब से पैदा हुआ, तो वो तो टेंट में रहते थे, तो वहां की आर्किटेक्चर तो टेंट है। तो किसी इंसान पैगंबर की औकात नहीं है कि वो कोई आर्किटेक्चर पैदा कर सके।
मैं आपको मेडिकल साइंस की बात हो रही है, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, मेरी बिटिया भी डॉक्टर है, यहाँ पर भी कुछ डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपको कि इंडिया में स्मॉल पॉक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब वो अंग्रेज आए, वो इतने अनहाइजीनिक लोग थे कि वो सारे स्किन डिजीजेस वो लेके आए यहाँ पे। स्मॉल पॉक्स भी आया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ जो उस समय चिकित्सक जो थे, उन्होंने उसका भी इजाद निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो गुरुकुल थे बनारस वगैरह में, वहाँ से पांच पांच के स्टूडेंट की एक टोली जाती थी, एक टोली को 40 गांव दिए जाते थे। और उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि आप जाइए, वो अपने साथ एक चांदी का ब्लेड, एक नीडल, कुछ एक सल्यूशन वो लेके जाते थे गांव में, और वो कहते थे कि देखो, अगर इससे माता से छुटकारा पाना है तो माता को लाना पड़ेगा अपने शरीर पे। अब वो क्या करते थे कि वो सल्यूशन लेते थे, उसको यहाँ ये करके ब्लेड से चीर के यहाँ लगा देते थे, माता शरीर पे आ जाती थी, बुखार भी आता था। उसके बाद जब वो छाले जब निकल जाते थे तो उसी को काट के फिर वो शीशी में वो कलेक्ट करके उसको यहाँ से ले जाते थे। और इस तरीके से ये पूरा जो हमारा जो सिस्टम जो था, इस तरह से हमने इस पे काबू पाया था। अब इसको आप विज्ञान से सब कुछ बताओ, ये हो नहीं सकता है। एक आम आदमी अमेरिका का हमारे मजदूर से कहीं ज्यादा अनपढ़ है। अगर आप किसी वहां ग्रॉसरी शॉप में जाओ और उससे पूछो 5 + 2 + 4, वो नहीं जोड़ पाएगा। तो हम अपने नेचुरल इंटेलिजेंस को भी हम इतनी इसको इतना भी कम ना आके, हर शिक्षा पाठशाला में नहीं होती है, शिक्षा मां के गोद में भी होता है। और आप देखिए, इस्लाम के आने से बहुत पहले, मैं 570 ईडी की बात कर रहा हूं, 570 ईडी की बात है, एक पर्शिया का राजा होता था अनुरुशुमान, खुसरो भी कहते थे उसको। उसने अपने फिजिशियन जिसका नाम था बुरजोई, उसने अपने फिजिशियन को भेजा बुरजोए को कि ये राजा ऑफ कनौज हैं, उनके पास जाओ, वो हमारे मित्र हैं, उनसे सहायता लो और जाओ जड़ी बूटी ले आओ, संजीवनी बूटी ले आओ वहां से। तो उन्होंने अपने कुछ लोगों कहा कि देखो यार, इसको ले जाओ कोई पहाड़ वहाड़ पे, कहाँ मिलता होगा, देखो जाके। अब ये ढूंढता रहा पागलों की तरह, एक दो जगह इसको फॉल वो भी अलार्म भी हुआ, कुछ मिला, इस्तेमाल किया, नहीं काम किया। थका हारा वो आदमी बुरजोए एक साधु के पास गया, वो साधु अपने तपस्या में लीन था। और ये मैं जो कह रहा हूँ ये हिस्टोरिकल है, छाछनामा में भी है ये, और ये फिरदौस की जो किताब है उसमें भी इसका वर्णन है। तो ये वहाँ पे गया तो उसने कहा, साधु के कहा कि महात्मा जी, हम देखो इतने दिन से भटक रहे हैं संजीवनी बूटी के उसमें, हमको लोगों ने कहा कि वो मृत शरीर भी इससे जिंदा हो जाता है। तो उस महात्मा ने बोला कि अरे मूर्ख, संजीवनी बूटी का मतलब है ज्ञान,
और मृत शरीर का मतलब है अज्ञान, और जब अज्ञानी आदमी को ज्ञान मिल जाता है तो वो मृत शरीर से वो जिंदा शरीर हो जाता है। और फिर उसको ने कहा कि अगर तुम्हें संजीवनी बूटी चाहिए तो तुम यहां से पंचतंत्र की कहानियां ले जाओ। और उस समय यहां से गई पंचतंत्र की कहानियां, पर्शियन में उसका ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद दुनिया के तमाम लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ। आप लोगों में से कितने ने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं? शाबाश, काफी लोग हैं। तो ये पंचतंत्र की कहानियां, मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये जितना आप किसी को बर्थडे प्रेजेंट देते हैं, अगर उसके पास पंचतंत्र की कहानियां नहीं हैं तो आप उसको पंचतंत्र की कहानियां उसको दें। ओके, तो बच्चों एक आखिरी में ये भी छूटना नहीं चाहिए, मैं जब ये साइंटिफिक उसकी बात कर रहा था, हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है छठ। अब वो छठ की क्या वो है, जस्ट आई टेक वन मिनट, वो छठ की क्या वैज्ञानिक कारण है। जब मैं बच्चा था तो लोग कहते थे कि छठ के समय कोई गुस्ताखी मत करो वरना तुम्हें चर्म रोग हो जाएगा। और ये भी सुनता था कि कुछ लोगों को कि जो चर्म रोग है वो कर लो, अगर वो हो जाए तो छठ कर लो ठीक हो जाएगा। बाद में मैंने इस पे जब इसकी खोज की, मतलब मैंने जब जानने की कोशिश की, तो ये पता चला कि जब आप पानी के अंदर होते हो तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सूरज के, वो जब छन के आते हैं, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी, एंड स्पेशली एट दैट पॉइंट ऑफ द ईयर, उस समय में। लेकिन उसके लिए आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है, इसलिए 48 से 72 घंटे का उसमें फास्टिंग इन्वॉल्व है। तो हर चीज को आप विज्ञान की कसौटी पर एक रिफ्लेक्ट कीजिए, आप हर चीज को अगर विश्लेषण करेंगे, आप हर बच्चा हिंदुस्तान का वैज्ञानिक होगा, हर बच्चा हिंदुस्तान का वैज्ञानिक होगा। मैंने जो बात जहां से शुरू की थी मैं वहीं पे आके फिर खत्म कर रहा हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें जो आपने सुनी उस पर गौर करेंगे और उस पर सोच और विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।